हाय फ्रेंड्स, हाउ यू बीन? वी लर्न सम यूजफुल वर्ड्स टुडे। दोस्तों, आज कुछ यूजफुल वर्ड्स सीखेंगे और आज की क्लास के बाद इन वर्ड्स की सही मीनिंग को समझना और सेंटेंस में इनको सही तरीके से यूज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये वर्ड्स है दोस्तों, जंप, लीप एंड हॉप। अच्छा, ये वर्ड्स हमको कई बार बहुत कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि इन तीनों वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग होती है कूदना। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है, हमको इस बात को समझना चाहिए। हिंदी बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हिंदी में एक वर्ड है काटना। अब हम पेड़ काटें कि बाल काटें कि सब्जी काटें, हिंदी में तो एक ही वर्ड है काटना, इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इन बातों को समझते हुए हमको इंग्लिश को सीखना चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल सही इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकें, लिखने में भी और बोलने में भी। वापस आते हैं दोस्तों अपने वर्ड्स पर। ये है जंप, लीप एंड हॉप। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जंप जो है, अगर मैं इसको इंग्लिश में आपको बताऊं तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जंप इज व्हेन यू पुश योरसेल्फ इनटू द एयर यूजिंग योर टू फीट एंड यू लैंड ऑन योर टू फीट। जब आप दोनों पैरों का इस्तेमाल करके छलांग लगाते हैं और जब नीचे आते हैं तो दोनों पैरों पर नीचे आते हैं, ये है जंप। और जंप नॉर्मल कूद को बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से कूद, इसको बोलते हैं जंप। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया, दोनों पैर एक साथ ऊपर गए, दोनों पैर एक साथ नीचे पानी पर आए, ये है जंप। छोटे बच्चे कूदते रहते हैं, हम बोल सकते हैं द चिल्ड्रन वर जंपिंग अप एंड डाउन, बच्चे ऊपर नीचे करके कूद रहे थे, छलांग लगा रहे थे, ये है दोस्तों जंप। मैं आपको बताता हूँ लीप क्या होता है। देखिए, लीप एक लंबी छलांग को बोलते हैं, जंप एक नॉर्मल छलांग है, लीप एक लंबी छलांग है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लीप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, व्हेन यू पुश योरसेल्फ इनटू द एयर यूजिंग वन फुट एंड यू लैंड ऑन वन फुट, यानी एक पैर से छलांग लगाते हैं लीप में और एक ही पैर से नीचे आते हैं। अच्छा, वो पैर सेम भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। जंप में दोनों पैर से छलांग लगाते हैं, दोनों पैर नीचे आते हैं, लीप में एक पैर से छलांग लगाएंगे, एक पैर नीचे आएगा, दिस इज लीप। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं ही लेप्ट टू डिफेंड हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने छलांग लगाई। किसी का फ्रेंड खतरे में था, उसने देखा मेरा फ्रेंड खतरे, उसने छलांग लगाई उसको बचाने के लिए, ही लेप्ट टू डिफेंड हिज फ्रेंड। अच्छा, लेफ्ट भी यूज हो सकता है, लीप्ड भी यूज हो सकता है, ऐसा आपको मिलेगा, लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक ब्रिटिश है, एक अमेरिकन है, बस यही डिफरेंस है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो था दोस्तों लीप। हम आते हैं हॉप पर। हॉप क्या होता है? देखिए, हॉप जो छोटी छोटी जो छलांग लगाते हैं उसको बोलते हैं हॉप। कैसे? टेक्निकलिटी बताता हूँ। व्हेन यू पुश योर सेल्फ इन टू द एयर यूजिंग वन फुट एंड यू लैंड ऑन वन फुट एंड यू कीप ऑन जंपिंग, एक पैर से छलांग लगाई, एक ही पैर से नीचे आई और आप कूद रहे हैं लगातार, बंद नहीं कर रहे कूदना। इस कब होता है ये? देखिए, अगर किसी के एक पैर में चोट लगी, इतनी ज़्यादा चोट कि उस पैर को जिसमें चोट लगी ज़मीन पर नहीं रख सकता, उसको थोड़ी दूर जाने तो कैसे जाएगा? कूद कूद के जाएगा ना, छलांग लगा लगा के, उचक उचक के जो जाते हैं लोग, इसको बोलते हैं दोस्तों हॉप। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? हम बोलेंगे ही वॉज हॉपिंग ऑन हिज गुड फूट। गुड फूट का यहाँ क्या मतलब है? जो पैर सही था, ठीक था। एक पैर खराब है तो उसे चोट लगी हुई है, और एक पैर जो सही उसको, उसके लिए गुड फुट का इस्तेमाल है। तो ही वॉज हॉपिंग ऑन हिज गुड फुट, वो अपने सही वाले पैर से कूद कूद के जा रहा था। ये तो दोस्तों ये जंप, लीपर एंड हॉप का डिफरेंस है। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए इनमें क्या डिफरेंस है और आप आज के बाद इनको सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको आज ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी इन वर्ड्स को सीख सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे प्रोनंसिएशन का हो, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।